वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म बैंकिंग एंड फाइनेंस इनसाइट्स बाय अनुज जिंदल। आई एम शगुन रंगबुला, योर एग्रीकल्चर मेंटर। जस्ट लेट मी कंफर्म विद थम्स अप दैट एवरीथिंग इज फाइन। ओके, सो आई होप वॉइस इज ऑडिबल एंड स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल टू यू ऑल। So it's a 12th class of plant pathology, but before starting today's class I want to discuss a homework question of extension education that I have given you in the last class. So it was a 21st question, 20th question humne cover kar liye and it was your homework question 21st. Dash is an extension teaching method which is used to focus the attention of people on a particular problem. Wo kisi extension teaching method ki they're talking about a extension teaching method jisme ki used to focus the attention of people on a particular problem like vaccination and prevention of animal disease, milk adulteration. By this method the information can be reached to a maximum number of farmers in the shortest possible time. It builds a community confidence and involve the people emotionally in the program. To ye kis extension teaching method ki baat kar rahe hain? Print media, exhibition, campaigning, field tour and farm and home visit. Second one was, whereas dash is a systematic display जहां पे हम लोग सब कुछ display करते हैं उनको किस चीज की actual specimen, information, poster in a logical sequence. It is organized for arousing the interest of clientele in the things displayed. तो ये अब किसकी बात कर रहे हैं? Campaign, print media, exhibition, group discussion और field tour. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू गॉट इट राइट। क्योंकि कैंपेन में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे लाइक वैक्सीनेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ एनिमल डिजीज, मिल्क एडल्ट्रेशन, इन चीजों पे फोकस करते हैं और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में टू द लार्ज ऑडियंस तक हम चीज लेके जा सके। और एग्जीबिशन में ही ये चीज होती है, देयर वी शो इंफॉर्मेशन हैंड आउट और डिस्प्ले, सिस्टमेटिक डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्चुअल स्पेसिमन, उसके पोस्टर, उनको एग्जिबिट करना। सो दिस इज एग्जिबिशन। सो दिस वॉज द आंसर फॉर लास्ट एक्सटेंशन का क्वेश्चन था। सो मूविंग अहेड टू टूडेज प्लांट पैथोलॉजी पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डिजीज ऑफ सिट्रस प्लांट इन विच क्रैक्स डेवलप होते हैं इन द बार्क, ऑन द बार्क देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स और वहां पे सैप ओजेस आउट, वहां से सैप निकलते हैं, प्रोफ्यूज गमिंग ऑन द सर्फेस इज सीन, इट ऑल्सो कॉजेज लीफ रोट। तो वो कौन सी डिजीज की बात कर रहे हैं जो कि सिट्रस प्लांट पे आती है? गमोसिस, सिट्रस कैंकर, सूटी मोल्ड, बैक्टीरियल ब्लास्ट और सिट्रस स्कैब। तो इसमें किसकी बात करें? द फोटोग्राफ वी कैन सी कि ये इस तरह से ये प्रॉब्लम कॉज होती है कि आप बाग पे देख सकते हो, देयर इज डेवलपमेंट, वेन एवर देयर इज डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स होता है तो वहां से सैप जो होता है वो उट होता है। सो देयर इज सैप उज आउट। तो ये किस डिजीज की बात कर रहे हैं? So this is gamosis. You can see there is यहाँ पे sticky gum type formation हो जाती है wherever एवर देयर इज बाक में अगर कहीं भी क्रैक अपियर होता है, सो सैप ओजेस आउट, दिस इज गमोसिस। रेस्ट आपको इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉज बाय बैक्टीरियम ज़ैंथोमोनास सिट्राई, जो फ्रूटी मोल्ड है दिस इज कॉज बाय अ फंजाई, सिट्रस कैप जो है और जो बैक्टीरियल ब्लास्ट है, बैक्टीरियल ब्लास्ट इज कॉज बाय स्यूडोमोनास सिरिंजे, और जो सिट्रस कैप है दिस इज बाय एल्सिनोए फॉकेटिंग। तो आपको इनके पता होने चाहिए कॉजल ऑर्गेनिजम्स क्या है। एंड द बेस्ट वे टू रिमेंबर द डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट एंटोमोलॉजी और इन्फोपैथोलॉजी इज कि आप पिक्चर्स से जो फोटोग्राफ्स हैं वो डिजीज किस तरह से, लाइक गमिंग से हमें गमोसिस से डायरेक्ट क्लियर हो रहा है देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ
गम से ऐसे स्टिकी सब्सटेंस जो है वो बनेगा। तो इस फोटोग्राफ को आप अपने माइंड में रखिए ताकि आपको जो डिजीज है वो याद रहे, क्योंकि एज सच पैथोलॉजी में अलॉट मोर डिजीजेस वी विल डिस्कस। सेकेंड क्वेश्चन इज दिस इन्फेस्टेशन एट एन अर्ली स्टेज, मतलब जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं टू 45 डेज, कैन बी आइडेंटिफाइड बाय कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ लीव्स होती है। टिपिकल सिम्टम इज द प्रेजेंस ऑफ वाइट और सिल्वरी पैचेस बन जाते हैं। यू कैन सी देयर इज वाइट एंड सिल्वरी पैचेस बन जाते हैं ऑन लीव्स। स्फीयर इन्फेस्टेशन जब होती है इसमें, सो होल प्लांट लुक्स ब्लैमिश्ड एंड टर्न्स वाइट। तो ये कौन से पेस्ट की बात कर रहे हैं जो ये सिम्टम शो करता है? इज इट माइट्स, बीटल, थ्रिप्स, नेमाटोड और ब्लैक मोल्ड? तो इनमें से किस पेस्ट की बात कर रहे हैं दैट शो सच सिम्टम, दैट द प्रेजेंस ऑफ वाइट और सिल्वरी पैचेस ऑन द लीव्स? सो दिस इज ऑप्शन नंबर सी, थ्रिप्स, जो कि आप देख सकते हो कि दिस इज ऑल द थ्रिप्स डैमेज, थ्रिप्स टेबैकी इसका साइंटिफिक नेम, थ्रिप्स टेबैकी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच डिजीज अपीयर्स ऑन यंग लीव्स स्टेम इन फ्लोरेसेंस एंड फ्रूट्स दैट कॉजेज लीव्स टू शो ओवल और इररेगुलर ग्रेश ब्राउन स्पोर्ट्स जो शो करते हैं, दैट लेटर ऑन दे शो ग्रेश और ब्राउन स्पोर्ट्स जो होते हैं दे शो, जो कि लेटर ऑन दे कलर्स टू कवर लार्जर एरिया ऑन द लीव, कि पहले वो छोटे छोटे से स्मॉल ऐसे ही जैसे लाइक ऑन द दिस फ्रूट छोटे छोटे स्मॉल हैं, बट लेटर ऑन दे विल कलर्स, तो वो एक बड़ा लार्जर स्पोर्ट बन जाएंगे। तो ये कौन सी डिजीज है जो यंग लीव स्टेम इनफ्लोरेसेंस और फ्रूट्स पे अपीयर हो रही है? पाउडरी मिल्ड्यू, मालफॉर्मेशन, स्टेम एंड रूट, एंथ्राग्नोज एंड ग्रे ब्लाइट। इस पूरी डिजीज में सिर्फ एक सिंगल वर्ड है फ्रॉम वेयर यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन से डिजीज की बात कर रहे हैं, कि जिसमें पहले ओवल इरेगुलर ब्राउन स्पॉट्स बनते हैं दैट लेटर ऑन कोलैप्स टू फॉर्म अ लार्ज स्पॉट्स, तो वो किसकी बात कर रहे हैं? नो, थर्ड का भी इज नॉट द आंसर। दिस इज एंथ्राक्नोज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि किसमें ये प्रॉब्लम आती है। दिस मैंगो में बहुत प्रॉब्लम आती है, मैंगो एंथ्राक्नोज, जिसमें किसी तरह से पैचेस बनते हैं, स्पॉट्स बनते हैं जो लेटर ऑन जुड़ के वो लार्जर एरिया कवर कर लेते हैं ऑन लीव एज वेल एज ऑन फ्रूट स्टेम्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर और डिजीज इज क्लोजली रिलेटेड टू ग्रेप्स? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो ये इनमें से कौन सी डिजीज डिसऑर्डर जो है वो ग्रेप्स के साथ लिंक्ड है? हैन एंड चिकन डिसऑर्डर, बिटर पिट और क्रैकिंग, क्राउन चोकिंग, ब्लैक टिप और ब्रॉन्जिंग, कौन सी जो है इज क्लोजली रिलेटेड टू ग्रेप्स? हैन एंड चिकन, बिटर पिट, क्राउन चोकिंग, ब्लैक टिप एंड ब्रॉन्जिंग। जिसको कि हम लोग नोन एज मिलार्ड इन और शॉर्ट बेरीज, उसी डिजीज को हम लोग ये दो नाम से भी जानते हैं, इट इज नोन एज मिलार्ड इन और शॉर्ट बेरीज। सो ये बात कर रहे हैं हैन एंड चिकन डिसऑर्डर की, जिसमें कि क्या होता है इरेगुलर, हमें पता है जो ग्रेप्स का फ्रूट है वो बेरीज वो बंचेस में लगते हैं जो उसकी बेरीज होती है, तो उसमें क्या होता है जो बेरी का साइज होता है वो इरेगुलर साइज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि उसमें मैच्योरिटी जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है, मैच्योरिटी डिफरेंस होता है, इसीलिए जो कई एक ही बंच में कि गुच्छे में ऑफ द ग्रेप्स फ्रूट उसमें कई जो होते हैं कईयों का साइज बहुत छोटा रह जाता है एंड कई बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ उनकी डिफरेंट मैच्योरिटी हो जाती है and they appear in irregular size, and क्यों होता है ये? This is because of boron deficiency. So ये कौन सी है? This is hen and chicken disease, जिसको कि हम लोग millard and short berries के नाम से भी जानते हैं। Next, fifth question, which of the following is vector of disease
बंची टॉप ऑफ बनाना, जो बंची टॉप ऑफ बनाना डिजीज है, इसका वेक्टर जो इसको स्प्रेड कर रहा है वो कौन सा है? पेंटालोनिया निग्रे नर्वोसा, पीथियम अफेनी डर्मेटम, पेक्टिनोफोरा गॉसिपेला, नेफोटेक्टिक्स विरसेंस और गलेरिया मेलोनेला। तो इनमें से कौन सा जो है वो वेक्टर है फॉर बंची टॉप ऑफ बनाना? बंची टॉप ऑफ बनाना का वेक्टर, सो दिस इज पेंटालोनिया निग्रे नर्वोसा, ऑप्शन नंबर ए, जिसको कि हम लोग बनाना एफिड भी कहते हैं। दिस इज बनाना एफिड। इसके अलावा अगर बाकी देख ले, सो पीथियम अफेनी डर्मेटम, दिस कॉजेज डैम्पिंग ऑफ पपाया। बाकी भी आपको फॉर इलिमिनेशन आपको पता होना चाहिए भी कौन सा है, लाइक पीथियम अफेनी डर्मेटम इज फॉर डैम्पिंग ऑफ पपाया। पेक्टिनो गॉसिपेरा, दिस इज पिंक बॉल वॉर्म, जो कि कॉटन पे इसका इफेक्ट होता है, पिंक बॉल वॉर्म। नेफोटेक्टिस विरेसेंस इज ग्रीन लीफ होपर, जो कि टुंग्रो वायरस जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। गलेरिया मेलोनेला, दिस इज वैक्स मोथ, जो कि हनी बी की रियरिंग टाइम प्रॉब्लम कोज करता है। सो गलेरिया मेलोनेला इज कॉज, ये वैक्स मोथ है। नेफोटेक्टिस विरेसेंस इज ग्रीन लीफ होपर, पेक्टिनोफेरा गॉसिपेला इज पिंक बॉल वॉर्म, और जो पीथियम अफेनी डर्मेटम है इज कॉजेज डैम्पिंग ऑफ ऑफ पपाया। सो बंची टॉप ऑफ बनाना का वेक्टर इज पेंटालोनिया निग्रे नर्वोसा, जिसको कि हम लोग बनाना एफिड भी कहते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, हैन एंड चिकन डिजीज इज अ कॉमन इन ग्रेप्स दैट अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच माइक्रोन्यूट्रिएंट। अभी आपको ये बताया था कि किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी करके होता है, बोरॉन कॉपर जिंक आयरन और मॉलिब्डेनम। किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हैन एंड चिकन डिसऑर्डर होता है? हैन एंड चिकन डिजीज इज बिकॉज ऑफ बोरॉन डेफिशिएंसी, सो ऑप्शन नंबर ए, इसकी डेफिशिएंसी करके ही ये आता है, हैन एंड चिकन डिसऑर्डर। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, सिगाडो का लीफ स्पॉट इज अ सीरियस डिजीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आप देख सकते हो, दिस इज सिगाडो का लीफ स्पॉट दैट इज कॉज्ड बाय माइकोस्फेरेला। यू हैव टू रिमेंबर द कॉजल ऑर्गेनिज्म पिजिजेनिस, माइकोस्फेरा फिजेनिस, जिसको कि हम लोग ब्लैक लीव स्पॉट, सिगाटो का लीव स्पॉट को हम लोग ब्लैक लीव स्पॉट के नाम से भी कहते हैं। यू कैन सी किस तरह से स्पॉट्स बन जाते हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि इनमें से किस में ये डिजीज आते हैं, बनाना, कोकोनट, ग्रेप्स, गावा और लीची। किस फ्रूट क्रॉप में सिगाटो का लीव स्पॉट इज अ सीरियस डिजीज? सिगाटो का लीफ स्पॉट इज अ प्रॉब्लम और अ डिजीज इन बनाना क्रॉप, ऑप्शन नंबर ए। इवन फ्रॉम द लीफ आप देख सकते हो कि ये बनाना का ही लीफ है, सो दिस इज अ प्रॉब्लम इन बनाना क्रॉप। एट क्वेश्चन, राइसीनेस, फजीनेस, होलो स्टेम, लीफीनेस, पिंकिंग, ये सब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है किस वेजिटेबल क्रॉप में? टमाटो, नॉलखोल, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली और कैबेज। किस क्रॉप में राइसिनेस, फजीनेस, आप इसमें देख सकते हो, दिस इज अ राइसिनेस, इसमें देखिए दिस इज अ होलो स्टेम, सो दिस इज अ मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ विच वेजिटेबल क्रॉप? टमाटो, नॉलखोल,
कॉलीफ्लावर, ब्रोकली और कैबेज? वी कैन सी दिस इज इन कि कॉलीफ्लावर में ये होलो स्टेम, राइसिनेस, इसी तरह से फजीनेस, पिंकिंग, लीफिनेस, ये सब इन कॉलीफ्लावर, ऑप्शन नंबर सी. सो दीज ऑल आर द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट अकर इन कॉलीफ्लावर क्रॉप. नाइन्थ क्वेश्चन, सिगाटोका इज अ सीरियस फंगल डिजीज इन बनाना. यस वी नो, वो द फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन सिगाटोका वैली में ही ये फर्स्ट टाइम 1913 में हुआ था इन टर्की, हनैंड इट्स चाइना, कोडाईकनाल इन इंडिया, फिजी आइलैंड और मैने यूएस. सो दिस इज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन सिगाटोका वैली, कहाँ पे है? इन टर्की, हनैंड, कोडाईकनाल, फिजी आइलैंड और मैने यूएस. So this is in Fiji Island, option number D. Question number 10th, father of plant pathology is known as, इनमें से किन को father of plant pathology कहा जाता है? Robert Koch, Dr. K.C. Mehta, H.H. Floer, B.B. Mundkar and Anton D. Berry. इनमें से किन को father of plant pathology कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ई फॉर 10th क्वेश्चन. यस दिस इज राइट आंसर. थोड़ा अगर बाकियों का देख लें, बाकियों, दिस इज एंटन डे बेरी इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी. रॉबर्ट को जिन्होंने कॉच पोस्टुलेट दिए थे, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक, माइक्रोबियल टेक्निक इन बैक्टीरियोलॉजी. So he is known as father of microbial technique in bacteriology. Dr. K.C. Mehta, इन्होंने wheat trust पे काम किया. So he is known as father of wheat trust disease in India. Father of wheat trust disease. You have to remember these all, wheat trust disease in India. H.H. Floer, that's very famous, जिन्होंने gene for gene concept दिया था. जीन फॉर जीन कंसेप्ट इन लिंसीड क्रॉप, लिंसीड क्रॉप में उन्होंने दिया था, लिंसीड ट्रस्ट, राइट. बीवी मुंडकर, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था इंडियन, ही एस्टेब्लिश्ड इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी एट IARI, फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी एट IARI. So these all are very important scientists जिन्होंने contribution you have to remember कि Robert Koch के postulates थे, and also he is known as father of microbial technique in bacteriology. K.C. Mehta, he is a father of wheat trust disease in India. H.H. Floer का बहुत contribution है, he had given the concept of this gene for gene concept in Lancet. B.B. Mundkar, he established Indian phytopathological society, और Anton De Berry, he is known as father of plant pathology. Moving ahead to question number 11th, which of the following is not a dithiocarbamate fungicides? इनमें से कौन सी dithiocarbamate fungicide नहीं है? Hiram, carboxin, mancozeb, xenem and vepem. इनमें से कौन सी नहीं है? Rest four are the dithiocarbamate fungicide. एक इनमें से नहीं है. हिरम, दैट्स अ फर्स्ट डाइथियोकार्बामेट जिसको की एज अ यूज्ड एज अ
सीड प्रोटेक्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसका बता रही हूँ कि दिस इज द फर्स्ट डाइथियोकार्बामेट एंड यूज्ड एज सीड प्रोटेक्टेंट. तो इनमें से कौन सा डाइथियोकार्बामेट नहीं है? दिस इज कार्बोक्सिन. ऑप्शन नंबर बी इज नॉट अ डाइथियोकार्बामेट फंजीसाइड, जिसको कि हम लोग विटावैक्स भी कहते हैं एंड यूज्ड फॉर रस्ट एंड स्मट, यूज्ड अगेंस्ट रस्ट एंड स्मट एंड ऑल्सो नोन एज विटावैक्स. क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द डिजीज विच कॉज द सिम्टम्स. कौन से सिम्टम्स डिजीज में शो होते हैं? देयर मे बी फाउंड न्यूमरस वाइट ब्लिस्टर लाइक फ्यूल्स विच ब्रेक ओपन एंड एक्सपोज द वाइट पाउडरी मास ऑफ स्पोर्स की तरह वो एक्सपोज होएगी. जनरली इट अकर ऑन लीव्स ऑफ क्रूसीफेरस प्लांट्स. क्रूसीफेरस प्लांट्स पे जनरली अकर होती है. सो ये फोटोग्राफ्स आप देखिए, दीज आर द ब्लिस्टर्स लाइक फ्यूल्स जो ओपन होते हैं एंड इट एक्सपोजेस वाइट पाउडरी मास ऑफ स्पोर्स. तो ये कौन सी डिजीज की बात कर रहे हैं? इज इट स्कैब, डाउनी मिल्ड्यू, फाइलोडी, पाउडरी मिल्ड्यू और वाइट ब्लिस्टर्स? प्लीज मेंशन द क्वेश्चन नंबर फॉर विच यू आर रिप्लाइंग. यस, ई इज द राइट आंसर. दिस इज द वाइट ब्लिस्टर्स, जो किस तरह के सिम्टम्स शो करते हैं. 13th क्वेश्चन, पिजन पी कॉजेज अ वायरल डिजीज जिसका कि नाम है स्टेरिलिटी मोजेक, दैट इज स्प्रेड बाय अ वेक्टर नेम. उस वेक्टर का क्या नाम है? नीला परवाटा ल्यूगेंस, एफिस क्रेक्सिवोरा, वेमिसिया टेबिसाई, इरियोफिड माइट और नेफोटेक्टिस वेरेसेंस. ये तो अभी हमने पीछे भी पढ़ा है, नेफोटेक्टिस वेरेसेंस. पिजन पी में एक वायरल डिजीज है, उसका वेक्टर का नाम क्या है आउट ऑफ द फाइव? So which of the following is a vector? This is Eriophyte mite. Option number D. अगर बाकियों का देख लें, so rice में there is Tungro virus, जिसका की vector अभी आपको पीछे भी बताया, this is Nephrotictis virescens, green leaf hopper. Rice में एक और disease है viral, it's grassy stunt, which is जिसका vector नीला परवाटा ल्यूगेसेंस, brown plant hopper. कॉटन में देर इज लीफ कर्ल वायरल डिजीज दैट इज कॉज बाय वेमिसिया टेबिसाई, जिसको कि व्हाइट फ्लाई. एंड इन ग्राउंड नट देर इज रजेट वायरस, जो कि जिसका वेक्टर एफिस क्रेक्सिवोरा, जनरली दैट इज एफिड्स. सो दीज आर इंपॉर्टेंट, वायरल डिजीज कौन सी है और उनके वेक्टर कौन से हैं. 14th क्वेश्चन, बेस्ड ऑन अक्रेंस ऑफ डिजीज प्लांट डिजीजेस आर क्लासिफाइड इंटू फोर कैटेगरीज. अब उनमें से वो किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं? अ डिजीज विच अकर वाइल्डली इन स्वीयर बट पीरियोडिकली अकर होती है, इट इज यूम स्वीयर फॉर्म ओनली ऑन ओकेजन्स. मतलब रेगुलर वो स्वीयर फॉर्म में नहीं रहती, ओनली ऑन ओकेजन्स कभी कभी वो स्वीयर फॉर्म में आती है. एंड द एग्जाम्पल्स फॉर सच डिजीज इज रेड रोट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड वीटरस. तो इनमें से कौन सी कैटेगरी ऑफ प्लांट डिजीज है? एंडेमिक डिजीज, पैंडेमिक डिजीज, लोकल डिजीज, एपिडेमिक और स्पोरेडिक. वी आर हैविंग फोर कैटेगरीज बेस्ड ऑन द प्लांट डिजीज. तो ये किस कैटेगरी की उनमें से बात कर रहे हैं? एंड एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीजेज आर रेड रोट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड वीट रस्ट. So this is epidemic disease, option number D.
एपिडेमिक जो कि पीरियोडिकली जो होती है इट अकर इन स्वीयर फॉर्म, बट अपना जो ये स्वीयर फॉर्म है ये सिर्फ ओकेजन्स पे लेती है, राइट जिसकी एग्जाम्पल रेड रोट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। बाकी की अगर बात करें सो देर इज एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब क्या हुआ, दैट इज वेन अ डिजीज मोर और लेस कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर बट वो अपनी मॉडरेट टू स्वीयर फॉर्म में है इन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ कंट्री और स्टेट, तो उसको हम लोग कहेंगे एंडेमिक है वो, जब वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही प्रिविलेंट है, राइट जिसमें कि वर्ड एंडेमिक मीन्स दैट इज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर कंट्री डिस्ट्रिक्ट और लोकेशन। एग्जाम्पल इज वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, जस्ट मैंशन कि कहाँ किस में ये वार्ट किस स्टेट में मतलब ये प्रेजेंट है, मतलब कहाँ ये लोकलाइज्ड है ये वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। स्पोरेडिक की बात करें सो दिस अकर एट वेरी इरेगुलर इंटरवल्स और लोकेशंस, दिस इज स्पोरेडिक ग्रीन ईयर ऑफ डिजीज ऑफ बाजरा। देन इज पेंडेमिक व्हेन अ डिजीज प्रेवलेंट थ्रू आउट द कंट्री कॉन्टिनेंट और वर्ल्ड, उसको हम लोग पेंडेमिक कहते हैं, लाइक लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सो ये बाकियों की थोड़ी बहुत इलेबोरेशन होगी एंड यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स ऑफ एवरी डिजीज। 15th क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव फंजीसाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए कौन सा फंजीसाइड सबसे इफेक्टिव है, ऑर्गेनो मर्क्यूरियल फंजीसाइड, ऑक्सेंथिन, सल्फो फंजीसाइड, बेंजीमिडाजोल एंड कैप्टान, तो इनमें से कौन सा फॉर द कंट्रोल ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू के लिए इफेक्टिव है फंजीसाइड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यू के लिए तो बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछते हैं ये। दिस इज सल्फर फंजीसाइड डाइनोकैपोर कैराथिन, डाइनोकैपोर कैराथिन। सो फॉर द कंट्रोल ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू सल्फर फंजीसाइड्स आर यूज्ड। 16th क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन पेनिट्रेशन ऑफ अ पैथोजन टू द होस्ट, उसका पेनिट्रेट करने एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑन द प्लांट, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, दैट्स अ टाइम पीरियड बिटवीन पेनिट्रेशन ऑफ अ पैथोजन टू होस्ट एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। विरुलेंस, पैथोजेनेसिस, डिजीज पोटेंशियल, इन्वेजन एंड इंक्यूबेशन पीरियड है वो, दैट्स अ टाइम पीरियड बिटवीन पेनिट्रेशन ऑफ पैथोजन टू होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, उसके बीच के टाइम पीरियड को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ई, यस इंक्यूबेशन पीरियड इज द राइट आंसर, दैट इज टाइम लैग बिटवीन द बोथ। विरुलेंस क्या होता है, दिस इज डिग्री ऑफ इन्फेक्टिविटी कितनी है उसकी, दिस इज द डिग्री ऑफ इन्फेक्टिविटी, कितनी इन्फेक्शन कोज करेगा ऑफ अ गिवन पैथोजन, राइट। क्वेश्चन नंबर 16th, Which of the following order of plant disease fungi relates to powdery mildew? Again, a very important question, क्योंकि कई बार आपसे वो पूछेगा कौन सा order जो है वो smut के साथ, कौन सा order rust के साथ relate करता है। इसमें उन्होंने हमसे powdery mildew का पूछा है, erysipels, astylaginales, uridinales, peronosporales और oospores। Which of the following order of plant disease जो है relate to पाउडरी माइल्ड्यू, यस प्लीज कमेंट कि कौन सी ऑर्डर जो है फंजाई का वो पाउडरी माइल्ड्यू के साथ रिलेट करता है। एस्टिलेगिनेल्स दैट रिलेट विद द स्मट प्रॉब्लम्स, उसके अलावा यूरिडिनेल्स रिलेट विद द रस्ट,
Peronospora, it relate with the downy mildew. So with powdery mildew, it is erysipelas. Powdery mildew. बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा ऑर्डर जो है इट रिलेट्स विद पाउडरी माइल्ड दिस इज एरिसिपेल्स. अस्टिलेगिनेल्स के लिए स्मट, यूरिडिनेल्स रस्ट एंड परोनोस्पोरेल्स डाउनी माइल्ड्यू. 18th क्वेश्चन, मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल ऊज आउट टू द ऑन द सर्फेस ऑफ इफेक्टेड प्लांट पार्ट्स एंड फॉर्म सम ड्रॉप्स और स्मियर, तो उसको क्या कहते हैं? नेक्रोसिस, हाइपरट्रॉफी, इट्यूलेशन, एक्सुडेशन और हाइपरप्लेशिया. When masses of bacterial cell ooze out on the surface of affected plant parts, photograph में हम लोग देख सकते हैं, it is oozing out to the surface of affected plants and forms some drops or smear. Necrosis क्या होते हैं? This is the death of cell or tissue. की death होना, so it leads to blackening और उसकी death हो जाना. So ये तो नहीं है option में. Hypertrophy is overgrowth ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल. तो उसको हम लोग कहते हैं जब सेल का साइज बड़ा हो जाए, एक ही सेल का साइज बड़ा हो जाए, दिस इज हाइपर ट्रॉफी. इट्यूलेशन इज लॉस ऑफ ग्रीन कलर, अगर ग्रीन कलर जा रहा है दैट इज द इट्यूलेशन. एंड हाइपर प्लेशिया इज ओवर ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन सेल साइज. यहाँ पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है और दूसरे में साइज ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज हो रहा है. जो हाइपरप्लेशिया है इसमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं और यहाँ पे साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है. सो दिस इज एक्सुडेशन, ऑप्शन नंबर डी, एक्सुडेशन, जिसमें कि बैक्टीरियल सेल ऊज आउट टू द सर्फेस ऑफ अफेक्टेड प्लांट्स. 19th क्वेश्चन, What is the trade name? Again, pathology में आपको pesticide थोड़ा बहुत ये भी ध्यान रखना. ट्रेड नेम के क्वेश्चन बहुत आते हैं. कार्बोक्सिन और कार्बेंडाजीम का ट्रेड नेम क्या है? कैरेथीन फॉर कार्बोक्सिन एंड प्लांटावैक्स फॉर कार्बेंडाजीम, विटावैक्स एंड वेविस्टीन, वेपम एंड अमिस्टर, कप्तान एंड वेविस्टीन एंड रिडोमिल एंड डायथिन Z78. ये संजय डी इज द राइट आंसर फॉर 18th क्वेश्चन. 19th का आंसर बताइए, ट्रेड नेम फॉर कार्बोक्सिन एंड कार्बेंडाजीम कौन सा है? बी, यस आरके, यस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. कार्बोक्सिन को विटावैक्स अभी पीछे भी बताया था एंड कार्बेंडाजीम का ट्रेड नेम इज बेविस्टिन. बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड नेम आपको इंपॉर्टेंट के, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीथिंग एवरीवन, हमें जो इंपॉर्टेंट है उसके ट्रेड नेम याद रखने हैं, राइट. 20th क्वेश्चन, हिट्रोसिस रस्ट कौन से होते हैं विच रिक्वायर अल्टरनेट होस्ट और कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑन मोर देन वन होस्ट. तो इनमें से कौन सी जो है इट्स एग्जांपल ऑफ हिट्रोशियस रस्ट, कौन सी एग्जांपल है? ग्रीन ईयर डिजीज, लिंसिड रस्ट, लेट ब्लाइट, व्हाइट रस्ट और व्हीट रस्ट. Heterocheous rust are the one which require alternate host चाहिए और complete their life cycle on more than one host उनको चाहिए. तो इनमें से कौन सी जो है इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ heterocheous rust? Green ear, linseed, late blight, white rust और wheat rust. लिंसिड रस्ट जो है दिस इज ऑटेशियस रस्ट. जैसे इन्होंने हिट्रोशियस का पूछा, दैट मीन्स इट रिक्वायर मोर देन वन होस्ट टू कंप्लीट इट लाइफ साइकिल. ऑटेशियस मीन इट्स रिक्वायर ओनली सिंगल होस्ट. तो लिंसिड रस्ट का आपको याद रखना है, दिस इज अ ऑटेशियस रस्ट. हमसे उन्होंने एग्जाम्पल पूछी है फॉर हिट्रोशियस रस्ट कौन सी है. ग्रीन ईयर, लेट ब्लाइट, वाइट रस्ट और वीट रस्ट.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ हिट्रोशियस, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, दैट्स द वीट रस्ट जो कि हिट्रोशियस रस्ट है, एंड लिंसिड रस्ट इज ऑटेशियस रस्ट. सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज प्लांट पैथोलॉजी पार्ट. To follow the channel Banking and Finance Insights by Anu Jindal and one Telegram channel also Banking and Finance Insights by Anu Jindal. So that's all for today's session and we will be meeting on 5th January with a very new topic. Up to that keep revising every topic क्योंकि exam बहुत नज़दीक है और agriculture one go वाला नहीं है. You have to recall all the again playlist में आप जाके दोबारा दोबारा जो है videos वो देखिए. So that's all for today class. Take care. Bye bye.